जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूं और पटना में सभी विधायकों को जमे रहने का निर्देश दिया है। बिहार की सियासत में हो सकता है खेला आज ही हो जाए, और जाहिर तौर पर जीतनराम मांझी अलर्ट मोड में है, जेडीयू बीजेपी सब अलर्ट मोड में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबसी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है और इसी बीच जीतन राम मांझी का एक ट्वीट आ गया है। वह ट्वीट क्या है हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। दरअसल उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली में रहने के बावजूद बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात पर मेरी नजर है। राज्य के राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी माननीय विधायकों को आगामी 25 जनवरी तक पटना में रहने का निर्देश दिया है। जो भी हो राज्य हित में होगा, जय बिहार। तो सर, इस तरह का उनका यह ट्वीट है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है सर? वो अभी सभी विधायकों को पटना में रहने की हिदायत दे रहे हैं। बिल्कुल निधि, जीतनराम मांझी ने जो ट्वीट किया है, जो कुछ भी लिखा है, उसमें बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए। जीतनराम मांझी ने से पहले भी संकेत दिए थे अपने एक ट्वीट के माध्यम से कि बिहार की राजनीति में किसी भी वक्त बड़ा खेल हो सकता है। उन्होंने लिखा था कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के संकेत हैं और जो परिवर्तन होगा बिहार में वो बिहार के हित में होगा। अभी भी वो कमोबेश यही बात कर रहे हैं, और सिर्फ जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में हूं और पटना में सभी विधायकों को जमे रहने का निर्देश दिया है। तो देखिए, जीतनराम मांझी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी, जनता दल यूनाइटेड ने भी, जेडीयू ने भी, नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में रहने का निर्देश दिया है। और जाहिर तौर पर यह निर्देश अहम हो जाता है बिहार के हर राजनीतिक दल के लिए निधि, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति और परिस्थिति चल रही है बिहार की सियासत में, हो सकता है खेला आज ही हो जाए। आज आरजेडी के एक बड़े नेता से हमारी बातचीत हो रही थी और उनके बयान का लबोलुआब यही था कि भाई किसी भी वक्त कोई बड़ा खेल हो सकता है। जेडीयू के एक नेता से बात हो रही थी, तो किसी भी वक्त कोई बड़ा खेल हो सकता है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। और जाहिर तौर पर जीतनराम मांझी अलर्ट मोड में है, जेडीयू बीजेपी सब अलर्ट मोड में है, और खेल की गुंजाइश तब और बढ़ जाती है। बिहार में पटना में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के आवास पर लालू यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं तेजस्वी यादव को साथ लेकर। अब मान मनोवल वाली बात है या सीट शेयरिंग पर बात करने पहुंचे हो, तो लालू नीतीश के बीच बंद कमरे में बातचीत हुई है, लेकिन सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार फाइनल डिसीजन ले चुके हैं, नीतीश कुमार मन बना चुके हैं। जिस तरह से पहले बीजेपी के तेवर में नरमी आती है, देश के गृह मंत्री अमित शाह जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, वो तो बिहार की कई रैलियों में कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं खिड़की दरवाजा सब बंद है, लेकिन कल अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा, उनसे पूछा गया कि क्या जो लोग छोड़कर गए हैं नीतीश कुमार वगैरह वो आएंगे तो क्या आ सकते हैं, तो अमित शाह ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। कहा अमित शाह कह रहे थे कि खिड़की दरवाजा बंद है नीतीश कुमार के लिए, और कहा ये कह रहे हैं कि प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। इसका मतलब है कि नो एंट्री का बोर्ड जो बीजेपी दिखा रही थी नीतीश कुमार को, वो नो एंट्री का बोर्ड हट गया है। तो अभी बैठकों का दौर, बात का दौर, मुलाकात का दौर लगातार चलता रहेगा। और निधि, हम लोग लगातार 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति में खेल होगा खेल होगा, तो अब खेल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो बिहार की सियासत के हालात हैं, बिहार की राजनीति के घटनाक्रम हैं, नीतीश कुमार किसी भी वक्त पॉलिटिकल सरप्राइज दे सकते हैं। नीतीश कुमार की गाड़ी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री आवास से राजभवन की तरफ जा सकती है, राजभवन में प्रवेश कर सकती है, इसके आसार भी पुख्ता होते जा रहे हैं जिस तरह के सियासी हालात नजर आ रहे हैं। खैर, जीतनराम मांझी जो कह रहे हैं, जाहिर तौर पर उन्होंने, उनके पास 4 विधायक हैं, मेरी जानकारी अगर सही हो तो 4 विधायक हैं जीतनराम मांझी के पास। उन्होंने कहा है कि भाई आप पटना में बने रहिए, जीतनराम मांझी अपनी पार्टी के खुद एक विधायक हैं तो वो दिल्ली में हैं। तो देखिए बिहार की राजनीति में अगले कुछ घंटों में क्या होता है, लेकिन कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये बात अब पुख्ता हो चली है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने चला है और बहुत जल्द ही इसके अपडेट हम आपको सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल यह रिपोर्ट यहीं तक थी, ऐसे रिपोर्ट्स के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।